टेक्नोलॉजी, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं न्यू थिंग्स, या स्टोर करते हैं अपनी, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम उसको मैनेज करते हैं. तो आईसीटी इस चीज में हेल्पफुल है हमारे लिए. ठीक है, तो ये आप इस डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, तो ये डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स से क्या मुराद है, रिसोर्सेज? मैं जी बताऊँ, डाइवर्स निकल रहा है डाइवर्सिटी से, कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. तो टेक्निकली हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इकट्ठा करके और रिसोर्सेज को इकट्ठा करके हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं. तो इसमें डाइवर्स रिसोर्सेज कौन से हैं? मैं फिर क्वेश्चन वही कर रहा हूँ, रिपीट, व्हाट आर दोज डाइवर्स रिसोर्सेज? एंड सर बहुत हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है, आप बुक से ले सकते हो, किसी से सुन के ले सकते हो, डिस्कशन से ले सकते हो. अगर टेक्नोलॉजिकल लेना है तो इंटरनेट, रेडियो है जो लिखे हुए नीचे, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, टेलीफोन, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से. ठीक है, अच्छा इसमें ये भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पार्टिसिपेंट आगे सभी में इसका अटका में, अच्छा ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बारे में कौन कमेंट करेगा? मैं कर देता हूँ सर. जी सर इसमें बताया कि हमारे पास जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी लाइक टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, उसमें इंटरनेट नहीं था, ठीक है, उनको जी जी आजकल जो है वो इतनी अटेंशन नहीं दी जाती, जो आजकल जो नए इंस्ट्रक्शन टूल्स आ गए जैसे इंटरनेट है, उनको ज़्यादा दी जाती है. ठीक है, और भी बात, आप लोग सब खामोश हो जाते हैं, तो अपना अपना मौका फेस करें, यू पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग, रादर देन कि एक बात करता है फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं सब लोग। दोबारा कमेंट कर दो. जी अगर आप कर चुके हैं, मेरे किसी और को मौका दें। जी जी कृष्णवाला, कोमल, यस सर. मैंने क्या पूछा है आपसे? जी सर आपने यही बात की कि आईसीटी मोर देन जस्ट दीज टेक्नोलॉजीज, तो मैंने यही कहा कि जो पहले हमारे स्ट्रीम थी टेक्नोलॉजीज और ये सर टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन, ये लेस टेंशन थे, लेकिन अब न्यू जैसे इंटरनेट आ गया, इसने ज्यादा टेंशन गेन करना जी स्टार्ट किया. इसमें काफी कुछ और न्यू चीजें हम सीखते हैं. ठीक है, तो
और ये टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन. ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया कि जो ऑल द प्रिंट रिमेन्स जो प्रिंटेड बुक्स हैं remains the cheapest and most accessible and therefore most dominant delivery mechanism in both developed and developing countries. Iske bawajood jo print media hai jo aapke books hai printed form mein wo schools mein universities mein zyada dominant hai as compared to these ICTs. theek hai, so yahan pe ek baat unhone ki hai, iska kya matlab hai सर, जो हम अभी कर रहे हैं ये भी डिस्टेंस लर्निंग है ना ऑनलाइन. मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में बता दूं. डिस्टेंस लर्निंग मींस दैट देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन लर्नर एंड द टीचर दैट बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम क्लासरूम, बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम ज्यूरिसडिक्शन और बाउंड्री वॉल, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and they are connected through technology but from a distance. So you people are sitting at distant parts. I am from Nankana and you people are from Sarvoda. Even many of you maybe or a few maybe from different parts of Sarvoda, from different villages, from different towns. It means we are connecting through technology for the purpose of instruction. So in distance education, a learner and teacher, there is a distance, that is a physical distance between the teacher and the learner, and that is that sort of distance is covered through technology. And through technology the sort of students can not only listen to the instructor but they can also watch the instructor or teacher. theek hai, so main yahan pe apni video on karta hu, so you people can watch out that I am sitting at my room and I am before camera now, so you can watch me, you can listen me as you people are you people maybe watching me at classroom, and you people maybe listening at classroom. So the distance doesn't mean that sort of distance. agar hum sab log apna camera on kar le to main bhi aapko dekh sakta hu aur aap log mujhe dekh sakte hain. aur jise main kehta hu wahi classroom mein bhi control hota hai na, ki teacher kehta hai ki aap baat kare, aap discuss kare, ye kare, wo kare, to same जो होता है तो उसको फेस टू फेस डिस्कशन जैसे क्लासरूम में करते हैं वैसे ही हम डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं. तो इसलिए जो मॉडर्न जो डिस्टेंस एजुकेशन की फॉर्म है दैट इज आल्सो नोन एज फेस टू फेस जो हमारी एजुकेशन है आपकी फॉर्मल एजुकेशन. सो दैट इज व्हाई इट इज नाउ रिकमेंडेड एज फॉर्मल एजुकेशन रादर देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो एजुकेशन है उसमें वैरायटी आ गई है. एक तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में हो रही थी, दूसरी नॉन फॉर्मल हो रही थी. नॉन फॉर्मल कई फॉर्म में है, अडल्ट एजुकेशन के फॉर्म में है, या ऐसे स्कूल्स हैं गांव में या छोटे इलाकों में जहां पे लोग लिटरेट नहीं, उनको लिटरेसी स्किल्स देने के लिए या टेक्निकल स्किल्स देने के लिए नॉन फॉर्मल बेस्ड एजुकेशन बेस्ड स्कूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम NFB स्कूल कहते हैं, नॉन फॉर्मल NFS कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स कहते हैं. तो बेसिकली उनका पर्पस होता है अडल्ट को ट्रेन करना, या ऐसे बच्चे जो किसी वजह से आउट ऑफ स्कूल हैं उनको थोड़ा सा लिटरेसी स्किल्स दे देना, आपको मैथमेटिक्स स्किल्स दे देना, लैंग्वेज स्किल्स दे देना, ताकि उनको थोड़ा लिखना पढ़ना आ सके और वो थोड़ा सा अपनी अमली जिंदगी में जाके कामयाब हो सके. तो पाकिस्तान में वैसे भी लिटरेसी रेट काफी कम रहा है, अभी तकरीबन कोई 70 के करीब हो गया या 75 तक बताया जा रहा है, लेकिन स्टिल जो ग्राउंड रियलिटीज है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कोटेड रियलिटीज की 75% हो गया. तो अडल्ट में अपनी जगह लिटरेसी के इशू होंगे, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के डिपार्टमेंट अभी तक जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं. लेकिन जो मॉडर्न मेथड ऑफ एजुकेशन है दैट इज द वर्चुअल एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग. ठीक है, तो ये हम अडॉप्ट ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दी हुई है अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की. जी इसमें क्या बताया हुआ है, जी इसे कौन कनेक्ट करेगा? मैं कर दूं? नहीं, ये मेमूना अपना बेटा माइक ऑन करें, आप बेटा पार्टिसिपेट करें, इस बारे में बताइए.
जी तैयबा जी तैयबा तैयबा भी यानी हिफ्सा तो यस सर आप लोग भाई जी मैंने अभी शो किया स्क्रीन पे सर इसमें के अलावा एक बार ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना वो प्रिंटेड और रिकॉर्डेड लेक्चर भी देती है ऑनलाइन क्लासेस भी देती है इसी तरह जो हमारे पास विचुअल यूनिवर्सिटी है ना वो भी ऑनलाइन क्लासेस देती है लेक्चर देती है माइक जल्दी बंद कर देते हैं आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं बात करने में आप लोगों का तो ये हल होना चाहिए कि भी आपसे बात की गई है और आप फिर बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं दैट्स ऑल आप एकदम से स्टॉप हो जाते हैं थोड़ी सी बात करके जी और कोई अक्सा खलील इकरा यस सर सर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यस सर सर इसमें ये बताया हुआ है कि वो अपना जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अपना प्रिंट अपना रिकॉर्ड ऑडियो फॉर्म में वीडियो फॉर्म में या जो भी रेडियो टेलीविजन होता है उनका ऑनलाइन एजुकेशन जो उनकी होती है उसको प्रमोट करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को और जो हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी अपना जो है ऑनलाइन लेक्चर और इस तरह से रिकॉर्डिंग वीडियोस की फॉर्म में सीडीज की फॉर्म में मतलब उनके पास अवेलेबल होता है मतलब डिस्टेंस एजुकेशन को इस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं ठीक है और ये ई लाइब्रेरी की बात की गई है यानी ऑनलाइन जो हम जितना भी हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है तो इसमें ये सारे बताया हुआ है अच्छा तो ये बात आप सही बता रहे हैं कि इट मींस कि वो लोग बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन भी यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड भी यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको डिफरेंस बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो डिस्टेंस एजुकेशन में बेटा आपका जो डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी ठीक है विद द हेल्प ऑफ आईसीटीज व्हाइल इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस प्रिवेल्स मींस देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर तो हम क्या करते हैं तो हम उनको रिस्पोंडेंस एजुकेशन के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बस हम उनके लिए मॉड्यूल्स लिखते हैं ऐसे बुक्स लिखते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकती हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के सेल्फ लर्निंग के लिए असेसमेंट होती है एक्टिविटीज होते हैं जिससे आप खुद अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं तो बुक बेसिकली आपको ट्यूटोरियल फॉर्म में होते हैं जो आपको आप पढ़ते भी जाते हैं साथ में लर्न भी करते जाते हैं तो वो लिखी जाती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि लर्नर जो है वो आसानी से इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं कि लर्नर आसानी से उन बुक्स को उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके स्किल्स भी ले लेता है नॉलेज भी ले लेता है ठीक है तो उसका पर्पस होता है कि वो जो बुक्स हों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो मींस कि उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो टीचर जैसे क्लासरूम में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार तो टीचर जो इंट्रेक्शन होता नहीं है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड एजुकेशन होती है बुक्स आपको भेजी जाती है फिर आपने सिर्फ कुछ वर्कशॉप्स करनी होती है या फिर आपने एग्जाम देना होता है तो उसमें बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है या बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप फॉर कपल ऑफ वीक्स इंस्टेड ऑफ क्लासरूम डेली क्लासरूम ठीक है तो आपके एक वीक की या टू वीक्स की या थ्री वीक्स की हार्डली फोर वीक्स की आपकी सिर्फ वर्कशॉप्स होती हैं पूरे साल में या छः माह में तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन जिसमें आप डेली मीट करते हैं अपने टीचर्स के साथ ठीक है तो जबकि आपका जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है टुडे इसमें हम डेली बेस पे टीचर से मिल सकते हैं एज वी आर मीटिंग इन द क्लासरूम ठीक है इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इट इज इक्वल टू द फॉर्मल एजुकेशन सेटअप तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके ओजी ओयू एस्टैब्लिश इन 1969 एज द फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड होली डेडिकेटेड टू ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ठीक है एंड स्टिल lies heavily on print based media. अच्छा ये मेरे ख्याल में 1969 नहीं होगा ये I think so it should be क्योंकि open university जो है ना ये बेटा बनी है
कब बनी होगी यूनिवर्सिटी बताए आपको? अरे एक मिनट सर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। बटर साहब ने ये बनाई थी 70s के दौर में, 74 में या 76 में, देखिए अगर गूगल करके इसको कौन सा ईयर है। 1971 ही है सर, 1969 ही है सर। और विशुअल कब बनी ये देखिएगा जरा सर। इलामा इकबाल 1974 जिसमें ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सुगोदा है, ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जिसकी फैसलाबाद है, इसके अलावा ये गुजरात की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 2002 में बनी हैं। तो एनी हाउ अच्छा मज़े की बात ये है कि आप लोगों को बेटा अंदाज़ा है कि ये जो आपके वर्चुअल एजुकेशन है या डिस्टेंस एजुकेशन, इसके इसका सबसे बड़ा स्कोप क्या है? सर ज्यादा एजुकेशन प्रमोट करना। हाँ ज्यादा एजुकेशन। और देखें जो आपकी इलामापुर जैसे सुगोदा यूनिवर्सिटी है, इनके पास ऑलमोस्ट 27-28,000 स्टूडेंट्स हैं जिस वक्त हमारे पास इनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं 2020 में, ठीक है, या 2019 में जिनका एडमिशन हुआ है मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, जैसे आपका बेटा सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, अब यानी फर्स्ट में हुआ था, अब सेकेंड में आ गए। तो आपको अंदाजा है कि ओपन यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ एडमिशन होते हैं? सर हजारों में होते होंगे, 20,000 होंगे, 50,000 कितने होंगे? इतने नहीं होंगे लेकिन होंगे सर, हजारों में ही होंगे सर, ज्यादा होंगे बट क्या अंदाजा गैस करें जरा, तुक्का लगाएं। मेरे ख्याल से तो लाख से भी ऊपर होगा। राइट एक साल में या ओवरऑल जो एक एडमिशन होता है, जैसे आपका बेटा एडमिशन हो गया है, ये इस वक्त कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 2020 में? लाखों में होंगे, दाजन कोई अंदाजा नहीं, तकरीबन 35-36 लाख होंगे। हाउ मेनी? यस सर 35-36 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं हु मे बी स्टडीइंग इन दिस सेमेस्टर और इन दिस ईयर। तो अंदाजा है कितना बड़ा स्कोप है ये डिस्टेंस एजुकेशन का। इसी तरह से जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे? उसमें तो इससे भी ज्यादा होंगे फिर। कितने होंगे सर? 40 अबव में भी सर, 4 मिलियन से अबव, मे बी मिलियन से अबव, उसमें भी तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। कितने? 1.5 मिलियन जो है, इससे भी ज्यादा स्टूडेंट, मिलियन से भी ज्यादा, 15 मिलियन से भी ज्यादा उसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कहने में देखिए कितना बड़ा इसमें स्कोप है और कितना इसके अंदर अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, ये कितना अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान के रिचेस्ट यूनिवर्सिटीज में ओपन यूनिवर्सिटी का शुमार होता है, ठीक है। तो इसमें कितना बड़ा स्कोप है अर्निंग का भी, यानी कम वसाइल में आप ज्यादा लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं,
ठीक है, और एक बहुत बड़ा सिस्टम आप जो है वो चला रहे हैं कॉमन सोर्सेज के साथ, ठीक है. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक अबाउट व्हाट इज ई लर्निंग. तो ई लर्निंग बेटा क्या है, आपने पढ़ा होगा. लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट. सही है, अभी हम पढ़ रहे हैं. सर ऑनलाइन लर्निंग तो ये जो हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं. तो ई लर्निंग में और ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस होगा? सर इसमें ये होगा कि एक लाइव एजुकेशन जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं और एक जो वीडियो से हम पढ़ते हैं. ठीक है, e-learning हम वीडियो से जैसे कह रहे हैं, और ऑनलाइन लर्निंग जिसमें हमारा बकायदा लेक्चर होता है सामने टीचर के. तो वेब बेस्ड लर्निंग फिर क्या होगी? जी जो वेबसाइट से हम जाके लेते हैं, जो वेबसाइट से लेते हैं कोर्स बाय करते हैं जैसे. ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं क्या ये ई लर्निंग है, वेब बेस्ड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, क्या ये? सर ऑनलाइन लर्निंग. ठीक हो गया. तो बेटा एक चीज माइंड में रखें, जो ई लर्निंग है ये ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर all type of learning आ जाती है that we learn from electronic media. Whatever you are learning by using electronic media is called e-learning. For example, even if you are learning from TV, that is also e-learning. If you are learning from your computer screen, that is also e-learning. If you are learning from mobile, that is a mobile learning, again that is e-learning. So e-learning means that you are using any kind of electronic gadget for the purpose of learning. Is it clear now? Yes, sir. मतलब आपको इंटरनेट भी नहीं है, but you have some sort of notes. मेरे जैसे नोट्स आपके पास हैं. आप अगर ये नोट्स सिंपली आप अपनी WhatsApp से ओपन कर लेते हैं फाइल को, या आप अपनी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे डाउनलोड कर लेते हैं वहां से पढ़ रहे हैं, that is again e-learning. अगर आप इधर किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं वो भी e-learning है. अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हैं वो भी e-learning है. अगर आप सिंपल एक वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पे वो भी बेटा ई लर्निंग है. अगर आप टीवी पे या जो एलईडी है उस पे देख रहे हैं वो भी ई लर्निंग है. ठीक है, तो ई लर्निंग इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स आ सकती हैं. लेकिन आगे जो आपके बेटा ये वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं या वेब बेस्ड लर्निंग है, इसका मतलब है कि आप जो लर्न करने जा रहे हैं दैट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स एंड यू नीड सम ब्राउजर टू एक्सेस दैट सॉर्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज नोन एज वेब बेस्ड लर्निंग. ठीक है, अब जैसे आप बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन लर्निंग में आपके फिर थोड़ी वेब बेस्ड लर्निंग थोड़ी ब्रॉडर टर्म हो जाती है. इसमें ये है कि आपके जैसे अभी अब ये एप्स हैं इसके थ्रू हम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट बिकम्स ऑनलाइन लर्निंग व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर पर्पस ऑफ लर्निंग. यानी कोई भी गैजेट है या कोई भी वेबसाइट है या कोई भी आपका वो आ जाता है सॉफ्टवेयर या ऐप आ जाती है जिसमें इंटरनेट का होना लाजमी है, तो एंड दैट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वेब बेस्ड लर्निंग. ठीक है, तो हम थोड़ी देर में